Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 4 standard 4 chapter 8 internet as a pool of information ka question answer hum log is session mein dekhne ja rahe hain. So without late, let us start the question answers of the chapter. So the first question in this chapter is what is internet. Before starting, agar channel mein apne to channel ko subscribe karne, niche subscribe ka button aapko dikh raha hoga, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट यू विल नोटिफाई फॉर द न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम द टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए विदाउट लेट लेट स्टार्ट. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट में आप लिखिएगा इज अ, या इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स computers interconnected to each other. मेरे साथ साथ आप चाहे तो क्वेश्चन से लिख सकते हैं across the world. ये आपका इंटरनेट का डिफिनेशन हो गया. नेक्स्ट है राइट एनी टू यूजेज ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो इंटरनेट का यूज़ बताना है आपको, तो इसका आंसर भी हम लोग चले लिख लेते हैं. तो यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट में आप लिख सकते हैं फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए लोग यूज़ करते हैं. सेकंड फॉर शॉपिंग में यूज़ करते हैं लोग इंटरनेट का. थर्ड फॉर इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी हम लोग इंटरनेट का यूज़. वीडियो शॉर्ट है, चलो ज़्यादा बढ़ाने में शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए इस चैप्टर का. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, हैं कोई दो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बताना है जो यूज़ करता है इंटरनेट. ये तो बहुत ही आसान है, तो इसमें आप फर्स्ट में लिख सकते हैं या टू टाइप्स लिख लीजिए इस तरह से. और फर्स्ट में आप लिख सकते हैं ईमेल, ईमेल हो गया. और सेकंड में आप लिख सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, और भी आपका लाइक अब लिख देते हैं आप अगर मन है तो लिख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्वेश्चन में तो दो ही पूछे हैं, ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8 क्लास 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल, है ना. अब ईमेल क्या होता है हम लोगों को पढ़ना है ना, तो ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मेल. अगर ईमेल की हम बात करें तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है. इसके अलावा इट इज़ यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैसेज को सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं, तो दैट इज नोन एज ईमेल. इंटरनेट में इसको ईमेल बोलते हैं. इसको भी लिख लीजिए आप कॉपी में. नेक्स्ट, नेम सम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम लिखना. कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का नाम आपको जैसे आप लिख सकते हैं लाइक व्हाट्सएप सबसे पॉपुलर है, आप लिख सकते हैं वाइबो, ALO, ठीक है. और भी बहुत सारा है आपके पास, आप चाहे तो लिख सकते हैं. फेसबुक मैसेंजर भी है, बहुत सारा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. बुक में भी दिया हुआ है, चिल्ड्रन आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट व्हाट इज, क्या सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस. चलिए करते हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग पीपल सिटिंग एट डिफरेंट locations connected to different locations connected to each other through internet. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। एग्जांपल भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस में करते हैं? आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, स्काइप में कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल में आप चाहे तो लिख सकते हैं स्काइप, व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉल होता है आपका, फेसबुक में भी होता है, ठीक है, या फेस टाइम, ठीक है, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको सर्च इंजिन में और किस में? कीवर्ड। सर्च इंजिन क्या होता है? चलिए लिखते हैं हम सर्च इंजिन। सर्च इंजिन क्या है? सर्च इंजिन is a website used to search information on the internet. Information on internet. Okay. Based on all the keywords, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन इंजिन का। एक वेबसाइट होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं इंटरनेट पे, किस पे बेस्ड? कीवर्ड्स पे। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है ये देख लेते हैं हम। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स typed by the user in order to search information keywords, ठीक है। ये keywords का definition है। Name some popular search engine, ये तो आप लोग आई थिंक मैक्सिमम लोग जानते ही हैं popular search engine कौन कौन सा है ना। तो यहाँ पे आप इसका भी आंसर लिख लीजिए। popular search engine में आप लिख लीजिए लाइक गूगल, ये तो पहला है। इसके अलावा याहू, बिंग, देन बायजू, बहुत सारा है, ask.com, दीज आर द डिफरेंट पॉपुलर सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है राइट सम टिप्स दैट विल हेल्प अस इन सर्चिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम लोग के लिए टिप्स आप चाहो तो लिख लो। टिप्स क्या क्या है? फर्स्ट में लिख लो ऑलवेज राइट द करेक्ट स्पेलिंग। जब भी कीवर्ड लिखोगे तो करेक्ट स्पेलिंग्स लिखना, नहीं तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेकंड में लिखिए बी एज प्रिसाइज, मतलब छोटा लिखिए, ज्यादा बड़ा नहीं, प्रिसाइज एज पॉसिबल। कीवर्ड को छोटा लिखें इन सेलेक्टिंग कीवर्ड, सेलेक्टिंग कीवर्ड।
ठीक है, ये सारा टिप्स है, मैंने दो ही लिखा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। चलो लास्ट है, वैलिडेशन कैसे चेक करें, गाइडलाइन बताइए जो इन्फॉर्मेशन के सर्च करने में हेल्प करता है। राइट एनी टू गाइडलाइंस वाइल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, क्या गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए इंटरनेट पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्च करें। तो इसके लिए आप लिख लो गाइडलाइंस, है ना, क्या क्या गाइडलाइंस होगा, ऑलवेज बिगिन आवर सर्च फ्रॉम नोन वेबसाइट, पहला हो गया। दूसरा लिख लीजिए चेक आउट द डेट ऑफ लास्ट अपडेशन, कब लास्ट अपडेट हुआ वो वेबसाइट। ठीक है, ये आपका दो पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट। किस लिए, किसी भी सर्च करेंगे आप इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन तो उससे रिलेटेड उसको वैलिडेट कैसे करें, वो सही इन्फॉर्मेशन मिला है कि। एक और चाहो तो लिख सकते हैं ऑलवेज ऑलवेज चेक पर्पस ऑफ द वेबसाइट, पर्पस वेबसाइट से जिससे इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हो या उसको ढूंढ रहे हो उसका पर्पस देख लो, पर्पस ऑफ द वेब। ये कुछ क्वेश्चंस है जो चल रहे हैं आप कर लीजिए, होप यू आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लिख लीजिए आप एंड राइट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में ये सारा वर्क को आप लिखिए सो दैट कभी भी टेस्ट हो तो आप उसका जवाब दे पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बेल आइकन बना हुआ है, नीचे सब्सक्राइब का बटन भी बना हुआ है, लाइक का बटन है, लाइक करें वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा है आपको, हाउ यू लाइक इट। हेलो, ये सारा क्वेश्चन आंसर है, आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। ये क्लास फोर चैप्टर एट इंटरनेट एज ए पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक शॉर्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो इसको अपने अपने कॉपी में आप लोग क्लास और कॉपी में लिख लें और ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।